सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सिविलाइज इंजीनियर पर। जैसा कि आपने पहली वीडियो में देखा होगा, हमारा सर्वे का इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट हो चुका था। तो इस बार हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, लीनियर मेजरमेंट से। ओके, तो पहली टर्म हमारे पास आ जाती है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है एक लीनियर मेजरमेंट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। किसी भी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो हम लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म इज़ एलिवेशन। लीनियर मेजरमेंट ऑन वर्टिकल प्लेन, जैसे कि एक प्लेन है हमारा वर्टिकल, इस प्लेन पे हमने जो मेजरमेंट करी है इसको हम बोलेंगे एलिवेशन। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि हमारे पास एक डायमेंशन दी हुई है ए बी सी। अगर हम बात करें ए बी की, तो जो ए बी के बीच का डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है और जो एलिवेशन है वो 0 सेंटीमीटर है। इसी तरह अगर हम बात करें बी सी की, तो बी सी में जो डिस्टेंस है वो हमारा 4 सेंटीमीटर है और एलिवेशन जो है वो है हमारा 3 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें ए सी की, तो एसी में जो हमारा डिस्टेंस है वो 0 सेंटीमीटर्स है, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल में देखा जाए, और अगर वर्टिकल में देखा जाए तो 3 सेंटीमीटर्स है, तो एलिवेशन हो गया 3 सेंटीमीटर्स। तो इन सब की हेल्प से आप लोगों को समझ आ गया होगा डिस्टेंस और एलिवेशन में डिफरेंस क्या है। नाउ द सेकेंड टर्म्स दैट कम्स इज स्केल। स्केल क्या होता है? स्केल इज जस्ट अ टेक्निक थ्रू विच ग्राउंड डिस्टेंस आर रिप्रेजेंटेड ऑन पेपर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ग्राउंड पर जा रहे हैं और आप वहाँ की डायमेंशंस नोट डाउन कर रहे हैं, अब जो हमारा ग्राउंड होता है उसकी डायमेंशंस हमारे बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती हैं, लेकिन जो हमारा पेपर होता है वो हमारे पास लिमिटेड डायमेंशंस होती हैं, तो वहाँ हम इतनी बड़ी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम स्केल का यूज़ करते हैं। स्केल का यूज़ करके जो हम ग्राउंड डिस्टेंस होता है उसको पेपर पे कन्वर्ट कर देते हैं। इसी ये हम स्केल की मदद से करते हैं। जैसे कि हम उसमें लिख देते हैं, आपने देखा होगा जनरली मैप में कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर और एट्सेट्रा, ये सब स्केल का काम होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक आ जाता है अपना वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल क्या होता है? वर्नियर स्केल की हेल्प से हम छोटी से छोटी वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं, जो कि हमारे मेन स्केल के लीस्ट काउंट से भी कम होती है। जैसे कि जो इसका लीस्ट काउंट होगा यहाँ पर मेन स्केल का, जो इससे भी छोटी वैल्यू होगी वो हम वर्नियर स्केल की हेल्प से वर्नियर स्केल की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जो सेकेंडरी रीडिंग है हमारी मेन स्केल पर, ये हमें एग्जैक्ट रीडिंग देती है, ये वाली, ये जो यहाँ पर मैच कर जाती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ वर्नियर। तो हमारे पास कितने 4 टाइप के वर्नियर स्केल होते हैं। पहला है हमारा डायरेक्ट वर्नियर। डायरेक्ट वर्नियर जो होता है हमारा, इसमें जो कैलिब्रेशन होता है वर्नियर का, वो मेन स्केल के डायरेक्शन में ही कैलिब्रेट होता है डायरेक्ट वर्नियर। इसके अंदर स्लाइटली स्मॉलर डिवीजन होते हैं मेन स्केल के एज़ कम्पेयर टू वर्नियर स्केल। तो जो n-1 डिवीजन है हमारे मेन स्केल के, वो n डिविजन्स में डिवाइड होंगे वर्नियर के। मतलब कि हमारे जो मेन स्केल में डिविजन्स हैं वो थोड़े कम होंगे। अब अगर बात की जाए इसके लीस्ट काउंट की, तो जो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर का वो होता है s-v, जहाँ पर s जो होता है हमारा वो होता है लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, दैट इज़ 1 यूनिट ऑफ मेन स्केल, और जो हमारा v होता है वो होता है लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो अगर मैं आपको लीस्ट काउंट के बारे में बताऊँ, n into v इज इक्वल्स टू n-1 into s, ये हमारा वर्नियर का हो गया और ये हमारा मेन स्केल का हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास वी की वैल्यू आ जाएगी, वो हो जाएगी n-1 into s, और लीस्ट काउंट हमें पता ही था हमारा कितना है, s-v, और वी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल ही चुके हैं। तो हम ये वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी sn-sn+s/n, दैट इज इक्वल्स टू s/n। ठीक है, तो हमारा लीस्ट काउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा s/n। हमारा नेक्स्ट टाइप का जो वर्नियर है वो हमारा रेट्रोग्रेड वर्नियर। ये जो हमारा कैलिब्रेट होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में कैलिब्रेट होता है मेन स्केल के। इसमें जो वर्नियर के डिविजन्स हैं वो स्लाइटली ग्रेटर होते हैं मेन स्केल के डिविजन से। मतलब जो हमारा v होगा वो ग्रेटर देन s होगा। तो सिंपल सी बात है, n+1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। मतलब कि वर्नियर के अंदर कम डिविजन्स होंगे एज कम्पेयर टू मेन स्केल। इसका लीस्ट काउंट होगा v-s। तो इसमें भी हम इसी तरह लीस्ट काउंट निकाल लेंगे, दैट इज n into v इज इक्वल्स टू n+1 into s। यहाँ से हम v की वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे और फिर लीस्ट काउंट जो हमारा है v-s, यहाँ पर हम v की वैल्यू पुट कर देंगे और सेम हमारा लीस्ट काउंट निकल के आ जाएगा s/n। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वर्नियर है वो है एक्सटेंडेड वर्नियर। एक्सटेंडेड वर्नियर जो होता है हमारा कैलिब्रेट होता है सेम डायरेक्शन में मेन स्केल के। इसके जो 2n-1
डिविजन्स मेन स्केल के होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं एन डिविजन्स ऑफ वन ईयर स्केल में, और इसका लीस्ट काउंट भी वी माइनस एस ही होता है। और यहाँ से आप वी की वैल्यू निकालेंगे तो इसका भी सेम लीस्ट काउंट एस ओवर एन ही आता है। अगला आता है हमारा डबल वन ईयर। डबल वन ईयर में क्या होता है, ये दोनों साइड कैलकुलेट होता है हमारा इंडेक्स लाइन के, और इसमें जो मेन स्केल होता है वो भी दोनों साइड वो होता है हमारा कैलिब्रेट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है श्रंक और एक्सटेंडेड स्केल। कई बार आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे पुराने मैप्स होते हैं उसमें हम क्लॉथ व्लॉथ के बना के रखते थे, तो उसमें क्या होता था नीचे स्केल लिखा होता था, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर। तो और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हुई हुई थी जो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है ये ए से बी तक का डिस्टेंस है 2.54 सेंटीमीटर्स। लेकिन जब हमने कुछ साल बाद देखा तो ये जो कपड़ा था हमारा मैप ये हो गया है श्रंक। यहाँ पर अभी भी वही लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर, लेकिन ये जो लेंथ थी ये जो पहले 10 सेंटीमीटर मेजर हो रही थी अब ये 9.8 सेंटीमीटर मेजर हो रही है इसमें। तो क्या हो गया, हमारा श्रंक हो गया है। तो इससे क्या होगा, अगर हम डिस्टेंस जो निकालेंगे वो कम निकल कर आएगा। तो हमें क्या करना है इसको कैलकुलेट करने के लिए, सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं हमारा श्रंक फैक्टर। श्रंक फैक्टर इज नथिंग जस्ट श्रंक लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, मतलब कि जो हमारी श्रंक लेंथ है, श्रंक लेंथ क्या है हमारी 9.8 और ओरिजिनल लेंथ क्या थी हमारी 10, ये होता है हमारा श्रंक फैक्टर। अब आती है बात हमारी श्रंक स्केल की। श्रंक स्केल होता है श्रंक फैक्टर इंटू ओरिजिनल स्केल। श्रंक फैक्टर जो था हमारा वो ये आ गया 9.8/10, और जो ओरिजिनल स्केल है वो गिवन ही है हमारा 1/100। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा यहाँ पर जो श्रंक स्केल है वो निकल के आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 102.04 मीटर्स। अब इसकी हेल्प से हम और डिस्टेंस अपने मेजर कर सकते हैं। ओके, तो अब इसी के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है अ मैप है श्रंक एंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रेफरेंस लाइन इज नाउ रीड एज 9.4 सेंटीमीटर्स ओनली। ठीक है, तो श्रंक हुआ है हमारा, ये श्रंक लेंथ हो गई। इफ ओरिजिनल स्केल ऑफ द मैप इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर्स, देन फाइंड लेंथ ऑफ लाइन ऑन ग्राउंड इफ मेजर्ड लेंथ इज 8.2 सेंटीमीटर्स। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें श्रंक फैक्टर निकालेंगे। श्रंक फैक्टर आप सब लोगों को पता ही है, श्रंक लेंथ जो है हमारी 9.4 सेंटीमीटर्स अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो श्रंक फैक्टर आ गया है वो आ गया है 0.94। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, श्रंक स्केल निकालेंगे अपना। श्रंक स्केल जो हम निकालेंगे क्या करेंगे, श्रंक फैक्टर इंटू ओरिजिनल स्केल दैट इज 1/25। तो जो हमारा श्रंक स्केल निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 1/26.6। और उसके बाद हमें जो लेंथ ऑन ग्राउंड निकालनी थी, कुछ नहीं करना है, बस ये जो हमारा 8.2 है इसको स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे श्रंक स्केल से, और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 218.085 सेंटीमीटर्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है वो आ जाता है अपना चेन सर्वे। ठीक है, टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारे जो डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच का हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अलोंग स्ट्रेट लाइन, इसको मेजर करने के लिए हम चेन सर्वे का हेल्प लेते हैं। अब चेन सर्वे में हमारे पास काफ़ी सारी लाइन्स आ जाती हैं। सबसे पहले हमारा लाइन आती है मेन लाइन। मेन लाइन द लाइन ज्वाइनिंग द मेन स्टेशन, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं जो मेन स्टेशन है ए बी सी डी ई, ये जो मेन स्टेशन को लाइन ज्वाइन कर रही है ये लाइन ये हमारी है मेन लाइन। अब बात करते हैं बेस लाइन की, लॉन्गेस्ट लाइन इन द चेन सर्वे। हमारी लाइन जो हमारे सर्वे वर्क को दो पार्ट में डिवाइड कर दे और लॉन्गेस्ट हो, ये लाइन जो हमारी जा रही है ए से डी तक, ये है हमारी बेस लाइन। नेक्स्ट आता है हमारा चेक लाइन, यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ सर्वे वर्क। एक्यूरेसी, हम किसी भी सर्वे हमारे अपने सर्वे वर्क में जो एक्यूरेसी यूज़ करने के कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं किसी भी वर्क को, उसको हम चेक लाइन बोलते हैं। हम जो अपनी एक्यूरेसी है वो कैसे चेक करते हैं, 1 मीटर एरर इन आर मीटर्स ऑफ मेजरमेंट, मतलब कि कितने मीटर मेजरमेंट हमने करी तब हमारा 1 मीटर एरर आया, हम ऐसे अपनी एक्यूरेसी मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टाई लाइन, लाइन यूज फॉर डिटेलिंग ऑफ द फीचर्स। जैसे कि आपने ये लाइन देखी यहाँ पर, ये वाली, अब यहाँ पे ये जो ये है ये हमारी टाई लाइन है, ये हमारी डिटेलिंग शो कर दी है, जैसे कि यहाँ पर पॉन्ड वगैरह है, टेम्पल वगैरह, ये सब चीज़ें। अब आ जाता है अपना नेक्स्ट ऑफसेट, लीनियर मेजरमेंट टेकन फ्रॉम एनी फीचर इन द डायरेक्शन लेटरल टू सर्वे लाइन। ये जो हमारी लाइन गई है ये, इसको हम ऑफसेट बोलते हैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हमारे करेक्शंस रिक्वायर्ड इन चेन सर्वे। अगर आप फील्ड पर काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है आप जैसा चाह रहे हैं वैसा ही आपके मुताबिक हो, कई बार उसमें कई सारे एरर्स आ जाते हैं। आप नहीं अपना काम बड़े ही बहुत ज़्यादा प्रिसिशन से कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है, हमारे जो
हम काम जिनसे कर रहे हैं, जैसे चेन से काम कर रहे हैं, तो उसी के अंदर भी एरर हो सकते हैं, तो एरर किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, तो उन सबको हम रेक्टिफाई करने के लिए करेक्शंस लगा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात की जाए एरर, तो एरर हम कैसे मेज़र करते हैं। मान लीजिए आपने फील्ड पे कोई एक काम किया, तो जो आपने मेज़र करी वैल्यू उसमें से माइनस कर देंगे ट्रू वैल्यू, जो पहले से ही हम नाप चुके हैं, इसको हम एरर बोलते हैं। अब बात करें करेक्शन की, मतलब हमने करेक्शन करना क्या है, तो करेक्शन जब भी कर रहे हैं आप हमेशा ट्रू वैल्यू में से माइनस करेंगे मेजर्ड वैल्यू। करेक्शन मतलब है कि काम पहले से ही ये हो चुका है, अब आपको करेक्ट करना है, तो ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू माइनस करना है। तो बेसिकली इस इक्वेशन से आपको दिख गया होगा जो हमारा करेक्शन है वो इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एरर होता है। ठीक है, अब अपने पहले एरर पर आ जाते हैं, करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन और टेप। कई बार क्या होता है, हम पूरा का पूरा सर्वे वर्क कंडक्ट कर देते हैं, बेसिकली लेंथ हमारी जो चेन होती है वो 20 मीटर 30 मीटर इतने की होती है, लेकिन जब हम उसको फील्ड में ले जाते हैं तो हम उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर देते हैं, तो वो कई बार हमारी एक्सटेंड हो जाती है, या फिर टेम्परेचर और मौसम के चेंज होने के कारण वो श्रिंक भी हो जाती है। ठीक है, तो इसके करेक्शन हमें लगाना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास चार टर्म्स आ जाती हैं, जो एल है हमारा वो होता है ट्रू लेंथ ऑफ चेन, मतलब 30 है या 20 है वो, एल डैश होता है हमारा रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन, मतलब श्रिंक होने के बाद क्या हो गई है, स्मॉल एल डैश है हमारा रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन मेजर, मतलब आपने ये एल डैश रॉन्ग चेन से आपने जो डिस्टेंस मेजर कर लिया है वो एल डैश है, और एल है जो हमें चाहिए था लेंथ। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास, आपको क्या करना है, ट्रू चेन लेंथ इंटू ट्रू लेंथ ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू रॉन्ग चेन लेंथ इंटू रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड, आपको ये रिलेशन लगाना है और यहाँ से आप एल की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें हम करेक्शन की, ठीक है, अगर जो हमारा एल डैश है वो एल से बड़ा हुआ, मतलब कि रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन है वो ट्रू लेंथ ऑफ चेन से बड़ी हुई, तो हमारा जो करेक्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हमारा जो एल डैश है वो एल से कम हुआ, मतलब कि रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन जो है वो ट्रू लेंथ से कम हुई, तो एरर जो है, करेक्शन जो है वो हमारा हमेशा नेगेटिव होगा। नेक्स्ट टॉपिक, अब हम एक क्वेश्चन लगाते हैं इसी पे। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया गया है, अ 30 मीटर मेट्रिक चेन इज फाउंड टू बी 0.1 मीटर टू शॉर्ट थ्रू आउट द मेजरमेंट, मतलब कि आप एक 30 मीटर की चेन लेके गए साइट पर और पूरा सर्वे कंडक्ट करने के बाद आपको पता लगता है कि वो तो 0.1 मीटर शॉर्ट है, तो आपने डिस्टेंस जो इससे मेजर किया वो 300 मीटर था, तो आपको बताना है एक्चुअल डिस्टेंस कितना मेजर किया। तो पिछले वाले रिलेशन हम लगाएं इसमें, तो पहले हम चीज़ें निकाल लेते हैं, जो हमारा एल है वो है 30 मीटर, एल डैश जो है अपना वो हो जाएगा यहाँ पर 29.9 मीटर्स। ठीक है, जो स्मॉल एल डैश है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 300, तो हम यहाँ से आसानी से एल की वैल्यू निकाल लेंगे, पीछे आपको फॉर्मूला दिया गया था, तो उसकी हेल्प से जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 299 मीटर्स। ठीक है, तो करेक्शन, करेक्शन क्या होता है, करेक्शन होता है हमारा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो करेक्शन क्या आ गया अपना यहाँ पर -1 मीटर। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक वो आ जाता है स्लोप करेक्शन। अब क्या करते हैं हम, इन चेन सर्वे डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज ऑलवेज मेजर्ड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्लोप ऑन ग्राउंड डिस्टेंस आर मेजर्ड अलोंग स्लोपी ग्राउंड ड्यू टू विच स्लोप करेक्शन इज रिक्वायर्ड। मतलब कि आपको ए से बी तक का डिस्टेंस मेजर करना था, लेकिन जो आपको मेजर करना था वो करना था ये, बट स्लोप होने के कारण आपने कर लिया ये, और हम सभी को पता है कि जो एल नॉट है ये हमारा एल से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो जो हमारा इसका करेक्शन होता है स्लोप का वो क्या होता है, हमारा करेक्शन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो अपनी ट्रू वैल्यू क्या है यहाँ पर एल, और मेजर्ड वैल्यू क्या है अपनी एल नॉट, और ये करेक्शन जो है हमेशा नेगेटिव ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो हमारी ये हमेशा जो एल नॉट है वो एल से बड़ी ही आएगी। ठीक है, तो यही इसका ये होता है करेक्शन, एल माइनस एल नॉट। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड के बारे में जानना चाहें तो मैग्नीट्यूड होता है इसका अप्रॉक्सीमेटली सी इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एल नॉट। तो बात की जाए उसके मैग्नीट्यूड की, सी इक्वल्स टू जो करेक्शन था हमारा वो था एल नॉट माइनस एल। ओके, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल नॉट माइनस अंडर रूट ऑफ एल नॉट का स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और यहाँ पर से हमारी जो अप्रॉक्स इसकी वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी सी इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एल नॉट। अब जो अपना नेक्स्ट करेक्शन आ जाता है वो आ जाता है हमारा टेम्परेचर करेक्शन।
इसमें क्या होता है, टेम्परेचर करेक्शन में हम कई बारी अपनी जो टेप मेजर जिससे हम मेजर करते हैं ना डिस्टेंस, तो कई बारी हम टेम्परेचर हमारा ज़्यादा या कम हो जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर से जिसपे हमने पहले मेजर किया हुआ है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपने स्टैंडर्डाइजेशन कभी किया था 40 डिग्रीज पे और आप जून के महीने में जा रहे हैं तो 45-50 तक जा सकता है टेम्परेचर, तो उसी की वजह से जो हमारी टेम्परेचर करेक्शन हमें यूज़ करना पड़ जाता है। ठीक है, तो जो इसका फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है एल नॉट अल्फा टी एम माइनस टी नॉट, जहाँ पर यहाँ पर एल नॉट है वो है मेजर्ड लेंथ हमारी, अल्फा जो है वो है थर्मल एक्सपेंशन फैक्ट कोफिशेंट, टी एम जो है वो हमारा टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट है, और जो टी नॉट है वो है टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, यहाँ से इसकी हेल्प से फॉर्मूले की हेल्प से आप टेम्परेचर करेक्शन निकाल सकते हैं। अब बात की जाए, अगर हमारा टेम्परेचर टी एम टी नॉट से ज़्यादा होगा, मतलब कि टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट इज़ ग्रेटर देन टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, तो करेक्शन जो है हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा। टी एम इज़ ग्रेटर देन टी नॉट, और अगर बात करें हमारा टी एम जो है अपना इज़ लेस देन टी नॉट, तो जो करेक्शन होगा वो हमारा हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने अगले करेक्शन के बारे में, दैट इज़ पुल करेक्शन। तो पुल करेक्शन हम लगाते क्यों हैं, ये हम लगाते हैं क्योंकि हम कई बार क्या होता है, हम जब स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमने कुछ और पुल लगा दिया और अभी जो हम लगा रहे हैं वो कुछ और पुल लगा देते हैं, तो उसी की वजह से हम पुल करेक्शन लगाते हैं, मतलब कि हम एग्जैक्ट वेट नहीं लगा रहे हैं, उसी के कारण इसको वो ओवरकम करने के लिए हम पुल करेक्शन लगा रहे हैं। तो जो इसका फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है पी एम माइनस पी नॉट ओवर ए ई इंटू एल नॉट। अब आपको इन टर्म्स के बारे में बता देता हूँ, पी एम जो है हमारा वो है पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, मतलब इस टाइम आपने पुल लगाया कितना हुआ है। पी नॉट जो है हमारा वो है पुल एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब जब ये मेज़र हुआ होगा कभी, जो ट्रू वैल्यू है ये पी नॉट वो है। एल नॉट जो है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्राईपॉड, ये जो आपको दिख रहा है एल नॉट ये है, और जो ए है वो है हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया, और जो ई है यहाँ पर वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टेप। ठीक है, अब इसमें भी दो केसेस बनते हैं, एक हमारा जब पी एम ग्रेटर देन पी नॉट होगा और एक होगा हमारा पी एम लेस देन पी नॉट। अगर हम बात करें पी एम इज़ ग्रेटर देन पी नॉट, मतलब कि जो हमारा मेजरमेंट के टाइम पे पुल है वो स्टैंडर्डाइजेशन के से ज़्यादा होगा, तो करेक्शन हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा, और यही बात करें अगर हमारा पी एम लेस देन पी नॉट होगा तो करेक्शन हमारा नेगेटिव होगा। नेक्स्ट करेक्शन अपना आ जाता है सैग करेक्शन। सैग करेक्शन की हमें ज़रूरत क्यों होती है, बेसिकली जो हमारा टेप होता है, आप किसी भी चीज़ को स्ट्रेच कीजिए तो वो पूरी तरह स्ट्रेच नहीं होगा, मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ सैग आ जाएगा, ये सैग इसका अपने वेट के कारण आता है। तो हमें नापना तो था ये वैल्यू, बट हम नाप लेते हैं ये वैल्यू, तो सैग की वजह से हम ज़्यादा नाप लेते हैं, तो इस करेक्शन ये जो होता है हमेशा हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर इस करेक्शन के हम मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है डब्लू स्क्वायर एल नॉट अपॉन 24 पी एम स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर मैं बात करूँ इन सब टर्म्स की, तो जो अपना W होता है वो होता है टोटल वेट ऑफ द टेप, एल नॉट जो है वो होता है वेट ऑफ द टेप पर यूनिट लेंथ, और पी एम जो है पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। कई बार आपको ऐसा भी दिया होगा W नॉट, W नॉट जो होता है वो होता है वेट ऑफ टेप पर यूनिट लेंथ, तो आप उसको W नॉट इंटू एल नॉट कर सकते हैं तो आपको टोटल वेट मिल जाएगा। याद रखिएगा भाई, टोटल वेट का स्क्वायर किया हुआ है, तो W नॉट स्क्वायर एल नॉट स्क्वायर इंटू एल नॉट अपॉन 24 पी एम स्क्वायर। तो जो एंड फार्मूला आपको देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा, W नॉट स्क्वायर एल नॉट क्यूब ओवर 24 पी एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ नोटेशन, W है हमारा टोटल वेट, W नॉट है हमारा ये मेजर डिस्टेंस बिटवीन द ट्राईपॉड, ये अपना है एल नॉट, और पुल ये है हमारा पी नॉट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट मूव टू आर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नॉर्मल टेंशन। तो ये नॉर्मल टेंशन क्या है, दैट वैल्यू ऑफ पुल कॉरस्पॉन्डिंग टू विच पॉजिटिव पुल करेक्शन बिकम्स एग्जैक्टली सेम एज नेगेटिव सैग करेक्शन, सो दैट बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड वी डोंट रिक्वायर एनी ऑफ दीज टू करेक्शंस। मतलब कि जो अपना नॉर्मल टेंशन क्या है, वो है जहाँ पर हमारा पॉजिटिव पुल करेक्शन नेगेटिव सैग करेक्शन के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो अपना सी ओ ये मैंने लिखा हुआ ये, तो हमारा पुल करेक्शन क्या होता है, पी एम माइनस पी नॉट ओवर
ए इंटू एल नॉट इज इक्वल्स टू डब्लू नॉट स्क्वायर एल नॉट क्यूब ओवर 24 पी एम स्क्वायर, और जो यहाँ पर पी एम है यही अपना नॉर्मल टेंशन है। तो अपना लास्ट करेक्शन आ गया है, करेक्शन ड्यू टू रिडक्शन टू मीन सी लेवल। इसकी हम बात करें तो फॉर लार्ज एरिया व्हेन कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज कंसीडर्ड फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट, जैसे कि हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था, जो हम प्लेन सर्वे करते हैं वो हम एक छोटे एरिया के लिए करते हैं, जब हमें लार्ज सर्वे करना होता है तो हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं। तो यहाँ पर उसी चीज़ की बात चल रही है। तो फॉर लार्ज एरिया व्हेन कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज कंसीडर्ड फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट बिटवीन द टू पॉइंट्स, देन द डिस्टेंस बिकम फंक्शन ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट। इन दिस केस डिस्टेंस शुड बी रिड्यूस टू मीन सी लेवल बाय अप्लाइंग दिस करेक्शन। तो हमें क्या करना होता है, ये हमारे जो दो पॉइंट्स हैं ये हम मेजर तो यहाँ कर रहे हैं लेकिन हमें इनको मीन सी लेवल पे लाना होता है, तो इसीलिए हम ये करेक्शन लगाते हैं। तो ये करेक्शन करेक्शन आपको पता ही है क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। ये करेक्शन हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि ये लेंथ हमेशा इससे एल से ज़्यादा ही होगी, आप देख रहे हैं एल नॉट हमेशा एल से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका करेक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू जो अपनी है वो है L और जो मेजर्ड वैल्यू है वो है L नॉट। अब हमने बोला ये हमेशा नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का साइन बाहर लेते हुए L नॉट माइनस L। ओके, अब अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो C इज इक्वल्स टू L नॉट माइनस L। ठीक है, वहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता जो हमारा थीटा, थीटा क्या होता है हमारा, थीटा होता है हमारा आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अभी मैं L नॉट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं L नॉट की वैल्यू निकाल लूँगा, थीटा आर प्लस थीटा एच। वहीं अब अगर मैं L के करस्पॉन्ड में बात करूँ तो थीटा इज इक्वल्स टू L बाय आर, तो यहाँ से मैं L की वैल्यू निकाल लूँगा थीटा आर। तो अपना जो करेक्शन था वो क्या था, L नॉट माइनस L, और L नॉट की हमने दोनों की वैल्यू निकालती हैं, जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कुछ थीटा इंटू एच। ठीक है, और अब हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, L नॉट अपॉन R प्लस H डॉट H। अगर हम नीचे वाले टर्म के कॉरस्पॉन्ड में देखें, R के टर्म कॉरस्पॉन्ड में, तो H है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है R से, तो हम R प्लस H को R लिख देंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली जो हमारी रिलेशन बन के आ जाएगी वो आ जाएगी L नॉट H ओवर R, और ये हमारी फाइनल रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपके सारे टॉपिक्स ले लिए हैं सेकंड चैप्टर के। आपको कोई भी डाउट होगा रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, ये लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और इस पूरी लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू गाइस।